हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड जो होता है वो होता है एक इनपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है, यूज़र से इंस्ट्रक्शंस लेती है और कंप्यूटर को देती है। अब कीबोर्ड अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइन के आपने देखी होगी। तो जो कीबोर्ड के अंदर टोटल कीज़ होती है वो होती है हमारे पास 100 से लेके 108 के बीच में, और इसके अंदर हर की का अपना अलग नाम होता है। जैसे ये जो सबसे टॉप पे यहाँ पे हमें कीज़ दिख रही है, इनको कहते हैं हम फंक्शनल कीज़। ये इस साइड जो सेंटर में होती है इनको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़। ये होती है हमारी न्यूमेरिकल कीज़। ये होती है नेविगेशन कीज़। इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे इंडिकेशन लाइट। ये लाइट हमें क्या करते हैं, इंडिकेशन देती है। जो फर्स्ट लाइट होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, नंबर लॉक ऑफ है या नहीं उस चीज़ के लिए। सेकेंड लाइट होती है कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, जिसको हम अपर केस और लोअर केस कहते हैं। थर्ड जो लाइट होती है वो होती है स्क्रॉलिंग लाइट। जब भी हम स्क्रॉल बार के लिए स्क्रॉल लाइट को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉल लॉक लग जाता है। ये जो हमारे पास यहाँ पे की होती है ये किस चीज़ के लिए है, स्क्रॉल लॉक के लिए। अब पंचुएशन कीज, सारी की सारी जो हमारे पास पंचुएशन सिंबल्स होते हैं वो सारी कौन सी है, पंचुएशन कीज। और जो हमारे पास इस साइड की कीज़ होती है सारी की सारी, टैब कंट्रोल कैप्स लॉक ऑल्ट शिफ्ट वगैरह, इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कीज। ये क्या करती है, अपने साथ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ को प्रेस करा के और फंक्शनल कीज़ को प्रेस करा के करती है, कंट्रोल करती है चीज़ों को। ये हमारे पास सारी कीज़ के नाम है जितने भी हमें दिख रहे हैं।